सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कैसे एक बेल आइकन इंट्रो बनाना है। तो जो लोग YouTube कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इजीली बहुत आसानी से आप अपने लैपटॉप के जरिए बेल आइकन इंट्रो को बना सकते हो। तो आप ये वीडियो को पहले से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडिश ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी एक दूसरे अकाउंट से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए अपने स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए। तो आप YouTube पे जाइए, मैं सर्च कर रहा हूं एडीज ट्यूटोरियल्स, यहां पे मेरा चैनल है यहां पे। तो इसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए, धीरे धीरे आप एक काम करिए, ऊपर आइए ऐसे, फिर आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन जो है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बस इतना आपको करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर दीजिए, जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन पे दबाइए, ऐसे आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपको मिक्स करना है, तो आप एक वॉइस को भी रिकॉर्ड कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने खुद की वॉइस और स्क्रीन रिकॉर्डर को ट्रांसफर कर दिया है अपने लैपटॉप पे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वंडरशेयर फिल्मोरा होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एंड्रॉइड पे भी कर सकते हो, लेकिन आजकल सबको ही वंडरशेयर फिल्मोरा को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको जरूर रखे होंगे अपने लैपटॉप पे। अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो आप गूगल पे सर्च कर दीजिए वंडरशेयर फिल्मोरा, वहां पे आपको मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा। तो ये आ गया सॉफ्टवेयर, तो मैं सारे वीडियोज को यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कर दे रहा हूं। ग्रीन स्क्रीन में आपको बताऊंगा ये क्या है। सबसे पहले दोस्तों, आप बैकग्राउंड में कोई भी एक इमेज को रखिए, इमेज रख सकते हो या फिर कोई एक वीडियो बैकग्राउंड वीडियो को रख सकते हो। आप YouTube पे सर्च कीजिए नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड वीडियो, वहां पे आपको एक मिल जाएगा, मैंने वहां से ये लिया है। तो आप वहां पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर कोई एक फोटो भी रख सकते हो। तो ये मैं अभी फिलहाल ये मैं रखा हूं बैकग्राउंड पे, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये दो भी आपको मिल जाएगा, ग्रीन स्क्रीन का आपको एक ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, हैंड वाला, और एक भी आपको मिल जाएगा जो कि बेल आइकन वाला। ये दोनों आप एक काम कर सकते हो, आप YouTube पे सर्च कीजिए। मैं सर्च इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे जो दूसरे लोगों की जो चैनल्स होते हैं वो चैनल अगर आएगा तो वहां पे कॉपीराइट इश्यू आ सकता है, तो इसलिए मैं वहां पे सर्च नहीं कर रहा हूं। आप YouTube पे सर्च कर सकते हो और वहां से आपको जो लगेगा जो नॉन कॉपीराइट वीडियोस होंगे वहां पे आप उन वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं ये बैकग्राउंड पे रखा हूं। आपको अभी क्या करना होगा, आपको गूगल पे जाना होगा, आपको एक फोन का फ्रेम आपको लेना होगा। मैं सपोज आईफोन फ्रेम PNG आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। इमेजेस पे जाइए, आप कोई भी एक PNG फ्रेम को आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हो। मैं ये डाउनलोड कर रहा हूं, सेव इमेज आईफोन PNG, इसको इंपोर्ट कर रहा हूं आईफोन PNG। अब आपको क्या करना होगा, इसको आपको ड्रा करके यहां पे आपको रखना होगा। ठीक है, ये आ गया, इसको आप थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, ये आ गया। अब क्या करना होगा आपको, आपने जो रिकॉर्ड किया था स्क्रीन रिकॉर्ड उसको आपको लाना है यहाँ पे। पहले इसको ड्रैग कर दीजिए पूरी वीडियो में, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वो स्क्रीन रिकॉर्डर का, यहाँ पे ये वीडियो है, इसको आपको लाना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे सेट करना है। अब आप वो फ्रेम में इसको आप सेट कर दीजिए, आपने ड्रैग किया यहाँ पे, आपको ऐसे सेट करना है। एग्जैक्टली आप फ्रेम में सेट कर दीजिए,
आपको एग्जैक्टली सेट करना है। अब हो गया शायद अच्छी तरीके से, हाँ ये पूरी तरह ये सेट हो गया है। अब आपने जो वॉइस ली है अपनी वॉइस, उस वॉइस को यहाँ पे आप ड्रैग कीजिए। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं एक वॉइस को यहाँ पे मेरी खुद की वॉइस को रिकॉर्ड किया था, माय ऑडियो। ये देखिए ये वॉइस है, यहाँ पे मैं ड्रैग करके ऑडियो सेक्शन में रख रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। तो आपको पहले यहाँ पे जाना होगा एग्जैक्टली आपको जहां पे सेट करना है। तो ये रहा वो, तो आपको यहाँ पे कट करना है, इसको आपको डिलीट करना है, इसको आपको ड्रैग करना है, और थोड़ा पीछे होगा ये, आपको थोड़ा यहाँ पे, तो ये हो गया। अभी आप हैंड बटन को लाइए यहाँ पे, आपको यहाँ पे सेट करना होगा को दबाइए चैनल। तो आप इसको, ये ग्रीन स्क्रीन है, आपको ग्रीन स्क्रीन को थोड़ा सा आपको यहां पे अभी आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या करना होगा, मेक पार्ट्स ऑफ द क्लिप ट्रांसपेरेंट, इसको आपको क्लिक करना होगा। आपने कर दिया है। अब इसको इंटेंसिटी थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हो, लगभग 18 के आसपास में रखा हूं। सब्सक्राइब कीजिए। अब इसको रिसाइज करना होगा आपको, इसको एग्जैक्टली आपको रखना होगा। आपको सब्सक्राइब के ऊपर आपको रखना होगा ये, शायद ये ठीक होगा। सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को, ये हो गया ट्यूटोरियल्स चैनल को। अब इसको फिर से आपको क्या करना होगा, एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को, अब इसको आप फिर से इस चीज को आप बेल आइकन के ऊपर आप इसको रखिए, इसको फिर से आपको एडवांस ग्रीन स्क्रीन में जाना होगा, ट्रांसपेरेंट करना होगा, लेवल आप 18 के आसपास सेट कर सकते हो। आपको फिर से यहाँ पे आप इसको कट करके बेल आइकन के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, इस चैनल को और बेल आइकन को दबा, बेल आइकन के लिए आपको यहां पे आप सेट कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को, इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। एग्जैक्टली दोनों यहां पे मैं साइज करके सेट कर चुका हूं। तो अभी आपको बेल इंट्रो थोड़ा सा लाना होगा यहाँ पे। बेल इंट्रो के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वो बेल का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको कट करना होगा इस चीज को, जहां पे बेल इंट्रो है वहां पे आप इस चीज को फिक्स कर दीजिए। चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ये आपको मिल गया। आपको यहाँ पे फिर से ग्रीन स्क्रीन पे जाना होगा, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट। इसको आप रिसाइज कर सकते हो ऐसे, यहाँ पे आप ऐसे सेट कर सकते हो।
बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े। तो वो थोड़ा आ रहा है, इसके लिए इंटेंसिटी को थोड़ा सा ज्यादा करना होगा, इंटेंसिटी को लगभग, चलिए मैंने सेट कर दिया है तो ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब चेक करते हैं पहले से। सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजें। ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि ये लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, तो इसको सेव करने के बाद ये पूरी तरह पता चल जाएगा। तो इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे और सब डिलीट कर रहा हूँ बाकी जो है। तो ये डिलीट कर दिया। लगभग आप इसको 9 सेकंड के आसपास सेट कीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ऑडियो हो उतना ही आप सेट कीजिए। तो यहाँ पे डिलीट कट कर रहा हूँ इस चीज़ को। चलिए ये हो गया, अब चेक करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये थोड़ा स्लो हो रहा है, इसको मैं लैपटॉप में अभी मैं काम कर रहा हूँ एक, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं आउटपुट क्या हो रहा है। चलिए ये सेव हो गया, अब देखते हैं फाइनल वीडियो, फाइनल आउटपुट कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनल, इसको हम प्ले करते हैं, चेक करते हैं ये कैसे आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। तो काफी अच्छा है ये, तो मैं आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूं आपको करना क्या है। आपको एक सबसे पहला लेयर जो है, आपको बैकग्राउंड में कुछ भी एक वीडियो रखना है या फिर फोटो रखना है, उसके ऊपर आपको कोई भी एक फोन का फ्रेम आपको रखना है, उसके ऊपर आपने जो रिकॉर्ड किया है जो वीडियो को, वो वीडियो को आप पेस्ट कर दीजिए वो फ्रेम के अंदर। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन का जो हैंड वाला आइकन या फिर जो वीडियो है उसको आपको रखना होगा सब्सक्राइब के लिए और बेल आइकन के लिए। उसके बाद बेल आइकन का जो वीडियो है उसको जब आप बता रहे हो बेल आइकन को क्लिक करना है, तभी आप बेल आइकन वाला जो वीडियो है वहां पे आप पेस्ट कीजिए, और साथ ही साथ जो आपने जो ऑडियो खुद की जो वॉइस है वो वाला आप नीचे आप डाल दीजिए। तो काफी इजी है, 9 सेकंड का ही आप रख सकते हो, उसके बाद आप इंट्रो बता सकते हो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, ये वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहें चैनल के साथ, और अगर आपने बेल आइकन को अभी तक दबाया नहीं है बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालता हूं हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।